डीएनए कॉपिंग आसानी से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं ईस्ट में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। डीएनए कॉपिंग को ऑब्जर्व ही नहीं, हम उनका रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। अब आप हर किसी को तो रिप्रोडक्शन करते हुए देख नहीं सकते, ये अनएथिकल है, मोरल नहीं है, सब और खिलाफ है उसके। तो भैया ईस्ट को देखेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और जानेंगे कि यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है। करना क्या है आपने, आपको बाजार से जाकर सिर्फ थोड़ा सा यीस्ट का पाउडर लेके आना है। बात समझ में आ रही है? तो आप यीस्ट का पाउडर ले आएंगे थोड़ा सा। अब क्या होगा, ये 10-20 रुपए का आ जाता है ईस्ट का पाउडर, आपने ले लिया, छोटी सी डिब्बी होती है उसमें ईस्ट मिल जाएगा किसी भी किराने वाले से कि भाई साहब थोड़ा ईस्ट दे दो। अब आपने क्या किया कि आपने 100 ml वाटर लिया, घर पे आके 100 ग्राम पानी ले लिया, 100 ml वाटर, और उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाल दी, चीनी डाल दी और उसे हिलाया, तो आपने क्या बनाया, 10% शुगर सॉल्यूशन बना लिया। ठीक तो बच्चों, आपने ये जो 100 ग्राम पानी लिया और आपने इसमें सिर्फ 10 ग्राम शुगर डाली, अब वो मीठा मीठा सुगर सॉल्यूशन बन गया। आपने इस सुगर सॉल्यूशन में से 20 ml निकाला, 20 ml इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में भर लिया। एक कांच की नली होती है, उसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं, जो एक तरफ से बंद होती है टेस्ट करने के लिए। तो उस कांच की नली में भर लिया, उस टेस्ट ट्यूब में भर लिया। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में परख नली कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल थी। अब क्या किया, आप जो यीस्ट लाए थे, एक पिंच थोड़ा सा यीस्ट लेके उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है जी, क्या किया था आपने, सबसे पहले आपने 10 ग्राम चीनी ली थी, उसे 100 ml पानी में मिलाया था, उसे ढंग से घोल लिया, उसमें से 20 ml वाटर को आपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और ए पिंच ऑफ यीस्ट आपने उसके अंदर मिला दिया। ठीक है, ए पिंच ऑफ यीस्ट ग्रेन्यूल, छोटे छोटे से दाने होते हैं गोल गोल से, जो आप उसमें मिलाते हैं। अब क्या किया, थोड़ा सा कॉटन लेके उस टेस्ट ट्यूब के ढक्कन को बंद कर दिया कॉटन से, कि हल्की फुल्की आवाज आती रहे। तो प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और 2-3 घंटे के लिए उसे, 1 से 2 घंटे के लिए हल्के वार्म प्लेस में रख दिया कि भैया यहाँ पे आप रखे रहो। 2 घंटे बाद अब आपको उसको स्टडी करना है, तो आप करोगे क्या, ये कल्चर तैयार हो गया आपका। इस टेस्ट ट्यूब में से जब 2 घंटे बीत गए, तो थोड़ा सा एक ड्रॉपर से ड्रॉप निकाला, एक ड्रॉप से उसका एक पानी जरा सा लिया, उसमें यीस्ट का कल्चर हो चुका है, और आपने एक स्लाइड पे डाल लिया, टप ये स्लाइड पे ड्रॉप पड़ गया, और इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दी और नीचे लगा के माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में, तो क्या नजर आएगा। जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो आपको इसमें ढेर सारे यीस्ट रिप्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, उनमें बडिंग हो रही होगी। आप उस रिप्रोडक्शन 1 से 2, 2 से 4 होते हुए आसानी से देख सकते। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन है, यीस्ट का रिप्रोडक्शन है। एक्टिविटी नंबर 8.1 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। आप कहोगे भैया आपने तो सर बाजार से यीस्ट का पाउडर मंगा लिया, मम्मी पैसे ही नहीं दे रही, 50 रुपए का आ रहा है बाजार से, आप कोई सही रास्ता बता दो। ले भैया दूसरा रास्ता सुन लो, आप घर में ब्रेड आती है, मम्मी ब्रेड जरूर मंगाएगी जब भी रोटी ना देनी हो उससे, कि जा बाजार से 40 रुपए की ब्रेड ले आ, ब्रेड ऑमलेट खा ले, ब्रेड भून के खा ले, ब्रेड तल के खा ले, ऐसे खा ले भाई, से खा ले, ब्रेड मंगा दिया भाई।
अरे ब्रेड मत खाया करो, मैदा होती है, अंदर घुस गई तो आसानी से निकलती नहीं। मम्मी से कहो कि माँ माफ कर, ब्रेड मत दे, चाहे 2 दिन भूखा रख ले, इस मैदे से बचो। खैर भाई, मुझे आपकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना, खाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप ब्रेड जो घर पे आई, आपने एक ब्रेड ले ली और उस ब्रेड को खाने की बजाय आपने साइड में किसी कॉर्नर में रख दिया घर के में। ये एक्टिविटी नंबर 8.2 है, कूल एंड मॉइस्ट प्लेस में रख दिया आपने। 2 दिन बाद वो ब्रेड उठाई, मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे करके देखा, उस पे ईस्ट ग्रो कर गया है। ग्रोथ तो तभी करेगा ना जब रिप्रोडक्शन हुआ होगा। 8.2 एक्टिविटी थी, आपने रिकॉर्ड कर लेना है ऑब्जर्वेशन 1 हफ्ते तक, अभी इतना था, अभी इतना था, अभी इतना था, इस तरह से इस एक्टिविटी में ये बात सामने आई। आपको समझ में आ गया होगा सभी को ये एक्टिविटी, यस और नो का जवाब आप दे सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो